देशभरात सर्वत्र मोठ्या जल्लोषात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात आहे। ठिकठिकाणी सजावट, रॅली आदींसह विविध कार्यक्रम देखील घेतले जात असताना श्रीरामपूर शहरातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वॉर्ड नंबर 2 परिसरात जरिया फाउंडेशननं अनोख्या पद्धतीनं स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करून संपूर्ण शहराचं लक्ष वेधून घेतलं। ज्यात जरिया फाउंडेशनच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी परिसरातील हातावर पोट भरून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेकडो नागरिकांना किराणा साहित्य वाटप करून देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाचा अर्थ काय आहे हे दाखवून दिला आहे। आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव 75 साल हमारे भारत को आज़ाद हुए पूरे हुए, इसी मौके पर जरिया फाउंडेशन की ओर से धान्य वाटप, गरीबों को धान्य वाटप का प्रोग्राम हमने आज इस श्रीरामपुर शहर के अंदर हमारे फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। आज यहाँ पर 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर जरिया फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर गोर गरीबों को किराना वाटप का हमने प्रोग्राम रखा है। आज आज़ादी को 75 साल पूरे हुए और पूरे मुल्क में घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान किया था वो अच्छी तरह से कामयाब हुआ और सभी ने मिलकर स्वतंत्रता की खुशियाँ बनाई। उसी तरह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत से रहो और एकता बांटो। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर गोर गरीबों को अनाज नहीं है, खाने को कपड़ा नहीं है, पहनने को, रहने को घर नहीं है। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करना चाहूँगा कि हमारे गोर गरीबों को जो घर नहीं है तो तुम उनको घर दो, तो अपना तिरंगा उस घर पे लगाए और उसी तरह से गोर गरीबों के वास्ते अनाज का, खाने का जो सामान रहता है, घरेलू सामान, वो मुहैया कराए, धान्य वाटप करे, गोर गरीबों को रोज़गार दे। उसी तरह से जो हमारे श्रीरामपुर शहर के अंदर जितने भी हमारे राजकीय नेता है, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की तरफ ध्यान दे, अपने अपने वार्डों पे ध्यान दे। देखो, हमारा श्रीरामपुर शहर एक प्रेम का प्रतीक है जो पूरे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे श्रीरामपुर है। श्रीरामपुर में सब एकता से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुसलमान हम हर त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से ये त्यौहार भी हमने बनाया। हमको बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर घर पे तिरंगा लहरा रहा है और हमें बहुत खुशी हुई इस बात से कि आज हम सब हिंदुस्तानी हैं, यह होने का गर्व हमें महसूस हुआ। जरिया फाउंडेशन की तरफ से हमारे जरिया फाउंडेशन की स्थापना 16 तारीख 2021 को हुई, जिसमें हमने ये तय किया कि हमारे जरिया फाउंडेशन की तरफ से हम गोर गरीबों को मदद करेंगे, जिसको दवा खाने की तकलीफ हो उसे दवा खाने का काम देंगे, गोर गरीबों के मसले हल करेंगे। हमारा कोई राजकीय स्टैंड नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत कायम हो और हक के लिए लड़ेंगे और इनकलाब ला के रहेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे देश को पूरे 75 साल हो चुके हैं और इस आज़ादी के मौके पे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने अपनी ईद और दिवाली इस 15 अगस्त के दिन दोनों बताई और प्यार मोहब्बत से इस तिरंगे को लहराया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमें ऐलान किया था, तो इसको पूरे तरीके से और अपने दिल से बच्चे बच्चे ने, औरतों ने, जेंट्स ने, हर किसी ने इसका फॉलोअप लिया और हर किसी की तमन्ना होती है कि अपने तिरंगे को अपने सीने से लगा के रखे, तो हमारे सभी भाइयों ने इस तिरंगे को अपने सीने से और दिल में भी रखे। और जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जगह परचम लहराया गया, पहले रूल्स हुआ करते थे कि स्कूल के अंदर और मंत्रालय के अंदर ये तिरंगा फैलाया जाता था, लेकिन आज हर घर घर तिरंगा हमें दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है क्या, जैसा बताया जाता है क्या,
पेड़ लगाने से हमें क्या मतलब ऑक्सीजन मिलता है, तो इस तिरंगे को लहराने के बाद में हमें जो ऑक्सीजन मिली है ये पूरे दुनिया के अंदर नहीं मिली रहेंगी। हमारे हिंदुस्तान के इस परचम को हमें लहरा के हमें इतनी खुशी हुई है जो हमें आज तक कभी महसूस नहीं हुई। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जरिया फाउंडेशन जो काम कर रहा है ये गौर गरीब और दलित समाज के लिए काम कर रहा है, जिसे ज़रूरत है वो हम उसकी या पूरी करते हैं। हमने कुछ ऐसे डॉक्टर भी चुन लिए हैं जो गौर गरीब है, जिसके पैसों का मसला आता है हॉस्पिटल का कुछ, तो हम लोगों ने उनके लिए दवाखाने फ्री कर दिए। ले गवर्नमेंट से ये विनंती करता हूँ क्या अगर आप हमें देख रहे हो तो इस जरिया फाउंडेशन की तरफ भी ज़रा गौर फिक्र रखें और इसमें जो हमारे कुछ मसले मसाइल है तो इसको पूरा करने की कोशिश करें। अभी या कोई हम अंबानी अडानी का कोई बेटा नहीं है या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब बड़े बड़े लोगों में वो उठता बैठता है या बहुत पैसे वाला है। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, जितना हमसे होता है हम लोग ने भी गरीबी देखी ली है, तो हमको भी लगता है कि हमने कुछ गरीबों की मदद करने चाहिए नहीं क्या। तो इस वजह से हमने ये जरिया फाउंडेशन को की स्थापना की है 2021 के अंदर, और हमसे जो होता है इंशाल्लाह हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज 15 अगस्त के मौके पर अन्नदान हमने देने का एक विचार किया और कुछ गौर गरीबों को देने का हमने सोचे। हम कोई फोटोशूट या सोशल वर्किंग ये फोटोशूट वगैरह हम करके किसी को देते नहीं, हमारा काम बंद मुट्ठी का रहता है। जरिया फाउंडेशन हर किसी को यही बताना चाहता कि दो तो किसी और को खबर ना पहुँचे। गौर गरीबांना राशन वाटप कार्यक्रम इथं घेतलेला आहे और प्रत्येक छान आहे। गौर गरिबांसाठी इथं जे जरिया फाउंडेशन काम करतोय और ये जरिया फाउंडेशनच्या गौर गरिबांना असं निमंत्रण भेटलेलं आहे का खरं हे लोक काम करतात जनतासाठी करतात, ये स्वतंत्र स्वतःसाठी काय करत नाही। कहो खुलके बहाने क्यों बनाते हो, जो कहना है कहो खुलके बहाने क्यों बनाते हो और वन नंबर दो में आके अपना सर क्यों झुकाते हो। सदरच्या कार्यक्रमावेळी जरिया फाउंडेशनचे जावेद शेख, इम्रान शेख, सद्दाम कुरेशी, शाहरुख कुरेशी, वसीम कुरेशी, मोहसिन कुरेशी, समीर जहांगीरदार, शकील शेख, मोबिन बागवान, राजू मलंग आदींसह जरिया फाउंडेशनचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यस न्यूज मराठी वाहिनीच्या बातम्यांकरिता प्रतिनिधी स्वप्नील सोनार, श्रीरामपूर।